आप सबको प्रणाम। आज काफी भारी मन से हम यहाँ खड़े हैं। मैं पहले दाग में भी आया था, आज यहाँ भी आया हूँ। तब भी मेरे यही विचार थे, आज भी यही विचार है कि जिन पेड़ों की जड़ें गहरी होती हैं उन्हें बार बार सींचने की जरूरत नहीं पड़ती। कालवी जी भी उस वृक्ष की तरह थे जिसकी जड़ें बहुत गहरी थी और उस वृक्ष की छाया में न जाने कितने लोग पारस पत्थर से घिस घिस करके कहां कहां पहुंचे, कहां पहुंचे और क्या क्या आयाम समाज ने पाया, ये हमें देखना है और दिख भी रहा है। पूरे परिवार को हमारी तरफ से नमन है। इस घड़ी में कर्नल साहब के बहुत अच्छे मित्र थे कालवी साहब। मुझे अभी भी ध्यान है, कभी भी शाम को 8 बजे 9 बजे कर्नल साहब बोलते, यार कालवी को फोन लगा। मैंने क्या क्या हो गया यार, पता तो करें वो इस बारे में क्या सोचते। क्योंकि कर्नल साहब और कालवी साहब दिखने में तो अलग अलग जगहों पे रहते थे, लेकिन उनका ध्येय एक ही था और ध्येय ये था कि समाज कैसे आगे बढ़े, आने वाली नस्लों को कैसे फायदा हो और वो सही रास्ते पे कैसे चले। मेरा आप सब से, पूरे परिवार से, सबको इस क्षण में गहन संवेदनाएं हैं और मैं अपनी तरफ से केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि पूरे परिवार को, शोक स्तब्ध परिवार को, पूरे समाज को हमारी जब भी जरूरत पड़े आधी रात को हेला दे देना, मैं खड़ा मिलूंगा सर।